Hello dear students, how are you guys? Myself Atin Singh. Today we are going to start binomial theorem lecture number 6. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग काफी पोर्शन कवर कर चुके हैं, बचा हुआ आगे कवर करेंगे। अभी लगभग 50% हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक भी आने वाली हैं, पहले भी और हमने दो लेक्चर में लास्ट लेक्चर में कराई थी शॉर्ट ट्रिक, इसमें भी कराएंगे। तो आज क्वेश्चन ही करेंगे और लास्ट तक वीडियो को देखते रहें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखें। ठीक है, देखेंगे एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज देन एन इक्वल टू, यानी कि पूछा गया है इसके एक्सपेंशन में यदि मिडिल टर्म ये है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, तो एन की वैल्यू फाइंड करें। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे सोचते होंगे सर क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप लोग प्यारा क्यों बोलते हैं पता नहीं। बेटा जो मुश्किल है, जो अच्छी चीज है, उसी कंटेंट को तो आप अच्छा बोलेंगे, है ना। जितना मुश्किल से बन रहा है क्वेश्चन तभी तो अच्छा, फटाफट आपको देखते ही क्वेश्चन बन गया अगर तो बहुत आसान, उस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो आपसे ही नहीं, एवरी स्टूडेंट उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसी क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आप सीख रहे होंगे। जो क्वेश्चन आपको देखते ही फर्स्ट टाइम में बन गया तो उस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, बस आपने फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो गई, अदरवाइज तो कुछ नहीं सीखा। लेकिन जब क्वेश्चन में फंसे आप, तो आपने उस क्वेश्चन को फंसने की वजह से आपने कॉपी किताब पलटी, काफी फॉर्मूले देखे, और कुछ क्वेश्चन करने से पहले आपने एक दो क्वेश्चन और भी देख लिए कि इस क्वेश्चन को ऐसे किया, इसको ऐसे किया, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा है। देखें तो मिडिल टर्म एक दिया हुआ है, देखें इसके एक्सटेंशन मिडिल टर्म दिस है, तो मिडिल टर्म एक होता है, दो होते हैं, ये n पे डिपेंड करता है। हमने कल बताया था लास्ट लेक्चर में, इफ n इज इवन देन मिडिल टर्म इज इक्वल टू n / 2 + 1 th टर्म, यानी कि मिडिल टर्म ओनली 1 कब होगा, जब n आपका इवन होगा। अगर आपका n ऑड हो गया तो मिडिल टर्म आप पे 2 होंगे। तो यहां तो मिडिल टर्म ओनली एक दिया हुआ है, क्योंकि यहां पे n के बारे में हमें बताया नहीं गया इस क्वेश्चन में, n आपका ऑड है या फिर इवन है। तो केवल हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको समझ रहे हैं कि इसमें मिडिल टर्म एक दिया है, इसलिए ये n कैसा होगा, यहां पे इवन होगा। ठीक है, देखेंगे। n by 2 plus 1 th term is the middle term. ठीक है, तो देखेंगे इसको लिख लो आप n by 2 प्लस वन इज इक्वल टू एन सी एन वाई टू एक्स स्क्वायर होल पावर एन माइनस एन वाई टू इंटू वन अपॉन एक्स की पावर एन वाई टू। अब ये मिडिल टर्म है, और मिडिल टर्म किसके इक्वल होना चाहिए इसके, तो इसको इस वाले टर्म को इक्वल उसके होना चाहिए। तो देखेंगे बेटा एन सी एन वाई टू, और इसको देखो एन माइनस एन वाई टू कितना बचेगा, एन वाई टू बचेगा आपका, तो एक्स की पावर टू और एन वाई टू इन टू एक्स की पावर माइनस एन वाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 924 एक्स की पावर 6। यहां से देखो फाइंड आपको क्या करना था, एन फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को, ये जब दोनों क्वेश्चन इक्वल हैं तो एक्स की पावर भी इक्वल होनी पड़ेगी, वही दिस इक्वल टू दिस। ठीक है,
तो आपका x की पावर इक्वल होनी पड़ेगी। तो x की पावर इक्वल कर देते हैं, इधर साइड में x की पावर बेटा कितनी है आपकी 6 है, उधर कितना है देखो यहां से कितना बचा आपका n बचा, क्योंकि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा n, इधर -n/2 यानी कि n -n/2 6। ठीक है, n -n/2 कितना होगा n/2 6, 2 का क्रॉस मल्टीपल कर दें तो n 12, यानी कि आपकी n की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 12 आ गई। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसको नोट करो। देखेंगे बच्चों ये क्वेश्चन समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन द एक्सटेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सटेंशन में हमें एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट फाइंड करना है। कोफिशिएंट फाइंड कर, कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस की है, लेकिन और भी क्वेश्चन बीच बीच में आते रहे जैसे टॉपिक अपना रिवाइज होता रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझेंगे इस क्वेश्चन को। हमारे पास लिखा हुआ है 1 + x ((1 - x)). देखो इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देखेंगे तो लोगों ने बहुत लेंथी कराया इस क्वेश्चन को। ठीक है, अनअकैडमी पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन कराया, लेकिन लेंथी नहीं है ये ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 लाइन में क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जेईई मेंस या एडवांस क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं पूछता, बट ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो समझेंगे। तो पहले तो हम ये देखें, जैसे कि आपके पास एक्स प्लस वाई की पावर एन था, आपने एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई टू दी पावर आर ये लिखा है इसके एक्सटेंशन। ठीक है, हमें क्या चाहिए एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट, तो हम पहले तो ये देखें कि इन दोनों के में एक्स लिखा कहां, एक्स लिखा कहां पे है वाई की जगह, इसमें भी वाई की जगह लिखा हुआ है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में पावर एड होती है ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। जैसे कि मान लो सपोज सुनना मेरी बात को, हमने इनका मल्टीप्लाई किया, यहां से एक एक्स निकला, इस एक्स का मल्टीपल यहां होगा। ठीक है, तो माइनस और इसको एक्सपेंड मैंने कर दिया है तो ये एक्स की पावर एन मिला। अब टोटल एक्स की पावर क्या हो रही होगी आपकी एन प्लस वन, क्योंकि मल्टीप्लाई पावर बेटा कैसी हो जाती है एन हो जाती है। आपको अच्छे से आ रहा है? ठीक है, बस ये छोटे छोटे कंसेप्ट आपको माइंड में सेव होंगे तो आप क्वेश्चन को फटाफट से बना सकते हैं। देखेंगे यहां पर देखा आपने कि x हमारा y की जगह पे आया हुआ है, x कहां पे है y की जगह पर। ठीक है, y यहां पे है तो पावर जो इसका लोअर इंडेक्स होता है वो y की पावर में जाता है। लोअर इंडेक्स जो होता है ncr का लोअर इंडेक्स होता है वो y की पावर में जाता है। ठीक है ना, अब समझो, अब मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है ये आप लोगों को जब पता है तो देखना बेटा। हमने क्या बोला कि यहां से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से हम x की पावर 0 ले रहे हैं, जब यहां से आप x की पावर 0 ले रहे होंगे यानी कि इस टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आप, लेकिन यहां से आपको कितना लेना पड़ेगा x की पावर n का कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। तो यहां से 1 लिया इनटू यहां से क्या लिया आपने n c n, लोअर इंडेक्स n है वो x की पावर में चला जाएगा यानी कि माइनस एक्स की पावर एन। ठीक है, समझ। अब यहां से कांस्टेंट, यहां से एक्स की पावर एन, दोनों पावर मिला के देखो कितना हो रहा है एक्स की पावर एन हो रहा है। तो यहां पे हमें एक्स की पावर नहीं लेना है क्योंकि हमें केवल कोफिशिएंट लिखना है, तो आप क्या करेंगे एक्स को हटा दें, ओनली माइनस वन की पावर रखें। ठीक है, अब यहां से आपने कांस्टेंट लिया और यहां से एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट लिया, दोनों मिला के ये हो गए, आगे देखेंगे प्लस। अब यहां से आप x की पावर 1 ले रहे हैं तो यहां से आपको x की पावर n माइनस 1 लेना पड़ेगा क्योंकि 1 + n - 1 आपका n हो जाएगा ना। देखें
तो यहां से बन लिया, यानी कि इसका कोफिशिएंट ऑलरेडी कितना है, बन ही है, तो बन इनटू यहां से क्या ले रहे हैं आप, एन सी एन माइनस वन, वो किस पे जाएगा, माइनस वन की पावर आपका कितना हो जाएगा, एन माइनस वन। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब सुने, एन सी एन की वैल्यू कितनी होती है बेटा, वन होती है, तो यहां से माइनस वन की पावर एन बचा। देखो बेटा एन सी एन की वैल्यू, और देखो एक बार अच्छे समझना बेटा, अच्छे से आप लोग आपने लिया 3C3, तो इसकी वैल्यू हम वन बता रहे हैं, तो आप देखें ओपन कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 से 3 गया, 3 माइनस 3 जीरो हुआ, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ऊपर 1, 1 अपॉन 1 यानी कि 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। अगर हम आपसे लिखें 3C2, यानी कि देखो अपर इंडेक्स से लोअर इंडेक्स 1 कम है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर होता है, एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर होता है, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 3C3 माइनस 2, और इसको आगे कैसे लिख सकते हैं आप 3C1 लिख सकते हैं, और ये तो एन सी वन की तरह हो गया, एन सी वन की वैल्यू कितनी होती है आपकी, वन, सॉरी एन, एन सी वन की वैल्यू कितनी होती है, एन होती है, ठीक है ना। अब इन चीजों का यूज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं, इधर समझना, ये हो गया कंप्लीट प्लस, है ना, एन सी एन माइनस वन, यानी कि ये एन है तो ये वन कम लिखा है, तो इसमें प्रॉपर्टी लगा रहे एन सी, समझ में आता, एन सी एन माइनस दिस ब्रैकेट में लिख रहा है एन माइनस वन इंटू माइनस वन की पावर एन माइनस वन, माइनस वन की पावर एन, ठीक है, और प्लस इसको लिख रहे हैं आप क्या, एन सी वन, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे आप, और माइनस वन की पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको समझना, इसको हम क्या लिख रहे हैं, इसको तो ऐसा कैसे लिख दो आप, ठीक है, इसको क्या लिख रहे हैं आप, ये माइनस वन अपॉन में लेके जा रहे हैं, प्लस एन सी वन की वैल्यू आप एन लिखिए इंटू माइनस वन की पावर आप एन लिखिए अपॉन माइनस वन लिख दिए, क्योंकि माइनस वन की पावर वन है, जो ऊपर जाके एन माइनस वन हो गई, ठीक है, यानी माइनस वन की पावर वन ऑलरेडी कितना, माइनस वन, माइनस वन का डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, माइनस, ठीक है, माइनस वन की पावर एन को आपने कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा, वन माइनस एन। देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन मिला आपका, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखें बच्चों ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसके एक्सपेंशन में आपको एक्स की पावर 7 फाइंड करना है। आप लोग कहेंगे सर हम तो बाइनोमियल पढ़ रहे थे, ये तो आपने मल्टीनोमियल दे दिया, तो कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कुछ ना कुछ आसान मिलेगा आप लोगों को समझेंगे। वन माइनस एक्स, वहां से आप माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, वन माइनस एक्स होल पावर सिक्स। अब देखो वन माइनस एक्स कॉमन ले लो, वन माइनस एक्स आपने जैसे ही कॉमन लिया, इस ब्रैकेट में यहां से क्या बचा, वन माइनस, यहां से क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, होल पावर सिक्स, ए इंटू बी, ए इंटू बी होल पावर कुछ भी, समथिंग, है ना, तो कैसे लिखेंगे, वन माइनस एक्स की पावर सिक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर सिक्स। अब सॉल्व, देखो बाइनोमियल बन गया, हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों के मल्टीप्लाई में एक्स की पावर सेवन मिल जाए, ये तो हमेशा इवन देगा, ये क्या क्या दे सकता है आपको, एक्स की पावर 2 देगा, 4 देगा और 6 देगा, 2, 4, 6 देगा, ये कंफर्म हो गया,
ये क्या क्या देगा आपको, x की पावर या तो 2 देगा या 4 देगा या फिर 6 देगा। ये क्या देगा, ये 1 से लेकर 6 तक कुछ भी देगा। जब यहां से आप 2 लेंगे तो यहां से आपको कितना लेना पड़ेगा भाई, ये x की पावर 2 दे सकता है, हां देगा, ये 4 देगा, 6 देगा। जब यहां से आपने 2 लिया तो यहां से आपको x की पावर 5 लेनी पड़ेगी। जब यहां से आपने 4 लिया होगा तो यहां से आपको 3 लेनी पड़ेगी। जब यहां से आपने 6 लिया तो यहां से आपको 1 लेनी पड़ेगी। ठीक है, कहियो ये पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो रही है। जब यहां से आपने x की पावर 2 ले ली तो यहां से x की पावर 5 ली, दोनों को देखो ऐड करो 7 हो गया। यहां से 4 ली तो यहां से 3 ली, यहां से 6, यहां से 1 ली, क्योंकि मल्टीप्लाइंग पावर ऐड हो रही है। ठीक है, और x है कहां पर, y की जगह पर है, यानी कि जो r का, जो ncr का लोअर इंडेक्स होगा वो x की पावर में जाएगा। सिंपल है, ठीक है, अब समझना बेटा अच्छे से, समझना अच्छे से। फर्स्ट यहां से 5 ले रहे हैं, 5 लेने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 6c5 माइनस 1 की पावर 5। यहां से कितना ले रहा है, 2, 2 लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, 6c1, ठीक है, माइनस 1 की पावर 1। जब यहां पे आपने 1 लिखा, 6c1 लिया, यानी कि x की पावर 1 गया, तो ये ऑलरेडी x स्क्वायर की पावर 1, यानी कि x स्क्वायर बना, ठीक है, प्लस नेक्स्ट बार देखेंगे। अब वहां से आपने 3 लिया, यानी कि 6c3 माइनस 1 की पावर 3, तो यहां से कितना लेंगे, 4, x की पावर 4 कब होगी, जब c2 लेंगे आप, तो 6c2 और माइनस 1 की पावर 2, प्लस जब उधर से आप 1 ले रहे होंगे, यानी कि 6c1 माइनस 1 की पावर 1, तो इधर से कितना ले रहा है, 6 ले रहा है, यानी कि आपको 6c3 लेना पड़ेगा और माइनस 1 की पावर 3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करना आपको, देखो 6c1 लिखा है, 6c5 यानी कि 6c1 लिखा है, 6c1 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, और ये माइनस आगे दे देगा और माइनस ये भी दे देगा, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और ये भी 6c1 लिखा है, देखो क्या बात हो, सही है ना, यहां से आपने 5 लिया, यहां से 1 लिया, सही है ना, इनटू 6 यहां से मिल गया, यहां से देखो ये माइनस साइन देगा, ये प्लस देगा, यानी ओवरऑल आपका माइनस आ रहा होगा। ठीक है, अब 63 को ओपन कर रहे हैं हम, 6 × 5 × 4/3 × 3 इसको 62 को ओपन कर रहे हैं, 6 × 5/2 × 2 इसको देखो ये माइनस साइन देगा, ये भी देगा माइनस, यानी कि प्लस हो जाएगा ओवरऑल, 61 6 होगा, इनटू 63 क्या होगा, 6 × 5 × 4/3। ठीक है, देखो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, जो कि 6 से 6 गया, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती, 2 से ये गया 3 टाइम, ठीक है, इससे ये गया, ठीक है, देखो ये कितना हो गया आपका 36, ठीक, माइनस यहां देखो कितना होगा आपका 20 और 15, देखो 5 हो जाए 20 और 5 3 या 15, 15 × 20, ठीक है, 15 30 यानी कि 300 हो गया ये, ठीक है, प्लस यहां पे देखिए कितना बचेगा आपका 20 और इनटू 6 6 × 12 120, ठीक है, आगे देखिए कैलकुलेशन का पार्ट है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं आपको कितना, 6 × 5 − 3 = 0, 156 और ये माइनस के 300, आपका कितना बचेगा, देखो 144 बचेगा क्या, ठीक है, क्योंकि 300 में से 150 माइनस करो, 150 ऊपर से 6 माइनस कर दो, 144, ठीक है, दिस योर आंसर, देख लो चेक कर लो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नोट करेंगे। देख लेना बेटा, यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया था, माइनस जरूर लगा देना, ठीक है, माइनस साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद रफ करते हैं इसको।
देखें बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छा ये है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, बड़ा सा लिखा है क्वेश्चन। पहले छोटा सा समझते हैं कि मान लो आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर एन लिखा है। हमने कहा कि एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट लिखो, तो आप इसको एन सी 5 लिख रहे हो। मैंने कहा कि x की पावर 7 का 6 का कोफिशिएंट लिखो, तो आप क्या लिख रहे होंगे, एन सी 6 लिख रहे होंगे। ठीक है, आप ओपन करके जनरल फॉर्मूले से ओपन करके इसको देख सकते हैं। ये चीज एनालाइज करने की बात है। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ का उतना ही निखर के आएगा आपको। मैथ केवल चाहता है प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उतनी प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन। तो हमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो इसमें से x की पावर 5 कब निकलेगी, जब 21c5 लिख रहे होंगे, यहां पे 22c5 लिख रहे हैं इस टाइप से। तो देखेंगे 21c5 प्लस 22c5 प्लस आगे भी 23c5 प्लस .30c5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूला आपको रिवाइज कराता हूं मैं बेटा। NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1CR होता है। देख लो, यानी कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1CR होता है। ठीक है, क्या आता NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1CR होता है। ठीक है, तो समझेंगे। अब यहां पे मुझे क्या और चाहिए था, यहां पे अगर तुम्हारा देखो फॉर्मूला लगाने के लिए देखें, NCR माइनस 1 इसको बोलते हैं तो N यानी कि 21C6 और चाहिए था मुझे यहां पे। तो ये फॉर्मूला देखो, अब NCR प्लस NCR माइनस 1 फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें कि 21C6 ऐड किया है, तो आप 21C6 माइनस कर दो। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे आपने फॉर्मूला लगाया इसमें NCR प्लस NCR माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1, तो इसको क्या लिख रहे हैं आप, 22C6। ठीक है, यही लिख रहे होंगे और इस चीज को आप ऐसा कैसे ये भी नोट कर रहे हैं आप, समझ रहे हो बेटा। 22C5 प्लस 23C5 प्लस अप टू 30C5। वापस से इसमें देखो फॉर्मूला लग रहा है बेटा, ये कितना लिखा 6 है बेटा, फिर लग रहा है, तो इसको आप 23C6 लिख रहे होंगे इसको, देखें। और इसमें वापस से फॉर्मूला लग रहा होगा, तो लास्ट तक ऐसे ही फॉर्मूला लगता चला जाएगा। लास्ट वाला टर्म देख के आप आंसर लिख सकते हैं ना, माइनस वो तो लिख ही दो 21C6। तो यहां पर फॉर्मूला लास्ट में देख के क्या होगा, 31C6 माइनस 21C6, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार अच्छे से कर लो। देखो आपके पास ये दोनों लिखे थे, ऐसे ही लास्ट में आपको यहां पर क्या लिखा होगा, यहां पर 30C6 लिखा होगा, क्योंकि नीचे देखो ऊपर n तो सेम है लेकिन r में 1 का डिफरेंस चल रहा है, यानी कि इससे बड़ा इधर r होगा तो 30C6 होगा। इन दोनों जब लगाओगे तो 31C6 और ये माइनस वाला ऐसा कैसे, तीसरी और आंसर चेक कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं हम, देखें बच्चों अच्छे से क्वेश्चन को नोट करें, जो अभी क्वेश्चन किया उसी की तरह ही है ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से पहले नोट कर लें, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस। हम इस क्वेश्चन को जो ऐसे लिखा हुआ है ऐसे इस क्वेश्चन को उठा के यूं और ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो देखो 10C10 प्लस 11C10 प्लस 12C10 प्लस .. 25C10
यू का सब्स्टिट्यूट करना है। अब समझो इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1 होती है, एनसीएन यू का सब्स्टिट्यूट 1। तो आप इसको 1 को तो कुछ भी लिख सकते हो, एनसीएन लिखो, 3C3 लिखो, 4C4 लिखो, 7C7 लिखो, सबकी वैल्यू 1 ही होगी ना। 1 को लिखने का तरीका बदल रहा है, आप कैसे भी लिख दो 1 को, 3-2 लिखो, 4-3 लिखो, 1 तो बन ही रहेगा ना बेटा। तो इसको हम लिख रहे हैं 11C11 प्लस, आगे की कंटिन्यू ऐसे कैसे, अब देखें NCR प्लस NCR माइनस 1, NCR प्लस NCR माइनस 1 ऐसे ही आगे तक यहां तक फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसमें एक ऐड करके लिख दो 26C11। देखो दिस इज योर आंसर, चेक करो प्रूफ हो गया। बस थोड़ा उसको सीधा लिखा और हमने 10C10 की जगह 11C11 लिखा, फॉर्मूला हमें बनते हुए नजर आ गया। ठीक है, शॉर्ट पे दिया था ये क्वेश्चन आपका, फटाक से इस क्वेश्चन कर सकते हैं, आगे देखेंगे। देखें क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ये बड़ा सा एक्सपेंशन दिख रहा है, इसके एक्सपेंशन में ऐसा कौन सा टर्म है जो आपका x से स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट ऑफ x, x से फ्री है। ठीक है, तो हमने यहाँ पहले से कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं, हो सकता है आपको लर्न हो और हो सकता नहीं हो। ए क्यू प्लस बी क्यू यू कस्ट टू ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू यू कस्ट टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। समझ ना आ बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे अच्छे समझना आपको। हम इसको कैसे लिख रहे हैं, एक्स की पावर 1/3 और होल पावर 3, देखो अभी भी एक्स ही लिखा है, प्लस 1 की पावर 3, एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस, इसको हम लिख रहे हैं रूट एक्स की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, और यहां से हम रूट एक्स कॉमन ले रहे हैं। एक्स को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक रूट एक्स कॉमन ले लिया आपने, रूट एक्स माइनस 1 होल पावर 10। ठीक है, ये देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दें तो क्या बनेगा आपका, ए प्लस बी यानी कि एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, दूसरा ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि दिस का स्क्वायर, तो एक्स की पावर 2/3 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स इंटू बी यानी कि एक्स कितना दिस, बी कितना 1 यानी कि एक्स की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रूट एक्स माइनस 1, दूसरा ब्रैकेट रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय रूट एक्स और रूट एक्स माइनस 1 बिग ब्रैकेट, ये देखो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या बचा वो देखना अच्छे समझना, ऊपर आपका बचा x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस यहां पे बचा दिस अपॉन दिस यानी कि इन ब्रैकेट रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स बिग ब्रैकेट होल पावर 10। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस रूट एक्स का डिवाइड करते हुए, जब रूट एक्स का डिवाइड इसमें करेंगे तो 1 आएगा और इसमें करेंगे तो 1 अपॉन रूट एक्स यानी कि 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर ऊपर ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगी, तो इसको लिख रहे हैं एक्स की पावर 1/3 प्लस 1
माइनस वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन अपॉन टू होल पावर टेन। देखो वन से ये वन कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपका, यहां बेटा अच्छे समझना आप लोग, एक्स की पावर वन अपॉन थ्री माइनस एक्स की पावर माइनस वन अपॉन टू होल पावर टेन। ठीक है, हम ये वाला बात कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन का नोट कर लिया होगा आप लोगों, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर। अब हमें इसके एक्सप्रेशन जनरल टर्म लिखना है इसका, देखना बेटा टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर एक्स की पावर टेन माइनस आर इंटू माइनस एक्स माइनस वन अपॉन टू होल पावर आर। अब उसने बोला इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि x की पावर क्या होना चाहिए, जीरो। तो कंपेयर कर दो, यहां से x की पावर निकाली आपने कितनी आई, टेन माइनस आर अपॉन थ्री, उधर से देखो माइनस आर अपॉन टू। ठीक है, यहां से आर अपॉन टू नेगेटिव क्या है, एलसीएम ले लिया आपने सिक्स, तो थ्री टू जा यानी कि ट्वेंटी माइनस की टू आर माइनस टू थ्री या थ्री आर, ठीक है, इक्वल टू जीरो, क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, तो उधर एक्स की पावर जीरो का कोफिशिएंट पॉइंट है ना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो ट्वेंटी माइनस के फाइव आर इक्वल टू जीरो, तो यहां से आर इक्वल टू आपका माइनस ट्वेंटी फाइव फोर। ठीक है, यानी कि कौन सा टर्म बात करेंगे, तो टी फोर प्लस वन यानी कि फिफ्थ टर्म जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो। वीडियो को अच्छे से देखे बेटा, पॉज करके क्वेश्चन नोट करें, लास्ट तक वीडियो को देखे बेटा, स्किप करोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, है ना, नोट करें। देखेंगे बच्चों, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होता है, एक ओनली ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, दोनों में फर्क है, दोनों करेंगे। एक अभी देखो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, इफ एनी जो इवन, क्योंकि हमें एक्सपेंशन दिया होगा एक्स प्लस वाई टू द पावर एन इस टाइप का, इफ एन इज इवन देन आर इक्वल्स टू एन, r कौन सा समझ लेना, t r plus 1 लिखते ना, उसमें r की वैल्यू क्या होगी, ये r equals to n by 2 that is your n c n by 2 takes maximum value, यानी कि greatest binomial coefficient अगर n की वैल्यू आपकी इवन हुई तो एक होगा, अगर n की वैल्यू ऑड हुई, देखो ये ना if n is odd then this and this takes a maximum value, यानी कि greatest binomial coefficient भी आपकी n पर डिपेंड करेंगे, n अगर इवन है तो एक होगा, m ऑड है तो दो होंगे। एक क्वेश्चन मैंने दिया है, देखेंगे क्वेश्चन को, फाइंड द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, ठीक है, उसके एक्सपेंशन में तो n की वैल्यू कैसी आपकी इवन, यानी कि r कितना होगा वहां पे, r इक्वल्स टू n बाय 2 यानी कि r इक्वल्स टू आपका आ रहा होगा 6 बाय 2 यानी कि r इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है, r इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 आ गया, तो आप लिख रहे हैं n c 6 सॉरी, ठीक है, n वैल्यू कितनी अपनी 6 है ना, 6 c 3 2 by 3 की पावर 6 minus 3 into minus 3 upon 2 की पावर 3, तो देखेंगे 6 c 3 ये 2 upon 3 है, ये 3 upon 2 है, 6 minus 3 ये भी 3 और ये भी 3 है, लेकिन minus की पावर 3 है तो इसलिए minus आ जाएगा, बाकी का ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 ऊपर या नीचे और यहाँ ऊपर 2 है या नीचे, तो
कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये बचेगा, इसका आंसर लिखने जा रहे हैं आप, माइनस 63 की वैल्यू कितनी होती है 6 5 × 4 / 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल वैल्यू 6 होती है, यानी कि आंसर आपका कितना आ जाएगा इसका -20, ठीक है। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। -1/x^7 सेम क्वेश्चन है, देख लो जल्दी से, ठीक है। बेटा बैठा मत करो, सॉल्व किया करो जब तक आप लोग खुद से। n अगर ऑड होगा तो देखो n ऑड है वहां पे, तो r की वैल्यू क्या होगी n-1, यानी कि 7-1/2, 3, और दूसरी r की वैल्यू कितनी होगी 7+1/2 यानी कि 4, ठीक है। तो आप लिख रहे हैं 7c3 2^4 - 1^3, 7c3 को ओपन कर रहे हैं 7 × 6 × 5/3 फैक्टोरियल और 2^16 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 6 कैंसिल आउट हो गई, ठीक है, और ये कितना हो गया 35, माइनस के 35 × 16, ठीक है। आंसर कितना आएगा -16 × 80 = 8, कैरी 8, 16 × 48 = 48 + 8 = 48 + 8 = 16 × 16 = 6 + 5, यानी कि आंसर आ गया आपका 560, ठीक है। नेक्स्ट आर की वैल्यू आपकी 4 है, तो नेक्स्ट आर की वैल्यू 4 है तो 7c4 लिख रहे होंगे आप, क्या लिख रहे होंगे 7c4, ठीक है, और 2^7 - 4 यानी 3 और -1^4, तो ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, ये बचेगा देखो 7c4 कहें या फिर 7c3 कहें की बात है, क्योंकि ncr यूपस पे nc n-r, 7c4 को लिख सकते हैं 7c7-4, यानी तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7 × 6 × 5/3 × 8, ये कैंसिल हो गया 35 × 8, 8 × 45 = 4, अब 24 28, आंसर आ गया 280, ठीक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा, अच्छे से नोट कर लो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में फिर चेक करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब आएगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, आगे भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, शॉर्ट ट्रिप पे पढ़ने वाले हैं आगे के भी, इनको नोट करना अच्छे से वीडियो को देख के, ठीक है।